हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। बीसीओई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा। काफी लंबा लेक्चर ये नहीं होगा क्योंकि चार ही पांच पॉइंट है इसमें, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे बाय कर सकते हैं जस्ट एट ₹100 पर पेपर। अगर आप चार या उससे ज्यादा पेपर्स लेते हैं तो आपको इसकी कीमत जो है सिर्फ और सिर्फ ₹75 पर पेपर ही आपको पे करनी पड़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, तो इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। पहला है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल। देखो, कैश अगर आप अपने पास मैनेज करोगे तो क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ये हम करने वाले थे। सबसे पहला पॉइंट था एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल। अगर आप कैश मैनेज ठीक तरीके से करोगे तो आपको पता रहेगा कि आने वाले समय में आपको कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ सकता है ना। फाइनेंस मैनेजर्स वर्क टू इंश्योर द राइट कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट दे प्लान टू इनकर। ठीक है ना, तो फाइनेंस मैनेजर जो है वो एक तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको जो है खर्च करना है, कितना कैपिटल का जो है उनका आवश्यकता पड़ेगा जब वो लोग किसी प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द फ्यूचर पॉलिसीज, आने वाले समय में उनको कैसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी टू मैनेज द कैश एंड ऑल एंड प्रोग्राम्स ऑफ द फर्म। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजों में जो है उनको हेल्प मिल जाती है अगर आप कैश को ठीक तरीके से मैनेज करेंगे तो। बी नंबर पॉइंट है एलोकेशन ऑफ फंड्स। कैश मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा फंक्शन ये भी है कि आप फंड्स को एलोकेट करते हो जिनको आवश्यकता होती है। हर एक प्रोजेक्ट में कैश को देना होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए कैश की आवश्यकता पड़ती है। तो कैश मैनेजमेंट अगर आपका सही तरीके से रहेगा तो एलोकेशन ऑफ फंड्स में काफी ज्यादा जो है आपको आसानी होगी। इट इज द जॉब ऑफ कैश मैनेजर टू डिसाइड हाउ फंड्स आर टू बी एलोकेटेड। जो कैश मैनेजर होता है उसका काम होता है कि किस तरीके से फंड्स को एलोकेट करना है, टू हूम दे आर टू बी एलोकेटेड, किनको एलोकेट करना है और किस काम के लिए एलोकेट करना है एंड फॉर व्हाट पर्पसेस, राइट। सी नंबर पॉइंट है कंट्रोल ओवर बिजनेस फंड्स। कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजर का काम होता है कि जो बिजनेस फंड्स है उसके ऊपर उनका एक कंट्रोल बना रहे और जब जिसको जिसकी जितनी आवश्यकता पड़े उसको वो चीजें दी जाए। कैश मैनेजमेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर कैश अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैश मैनेजमेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है कि कितना कैश उनके पास अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होता है। इट प्लान्स ऑन हाउ फंड्स आर यूटिलाइज्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स, है ना। वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से इन सारे फंड्स को, कैश को जो है यूटिलाइज किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, राइट। डी नंबर पॉइंट है हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। किसी भी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गया, ऐसा कॉस्ट आ गया जिसका कोई प्लान नहीं था बट अचानक से आपको जो है ऑर्डर आ गया कि आपको ये जो है करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो आपका जो कैश मैनेजमेंट है अगर अच्छे तरीके से रहेगा, कैश अगर आपके पास सरप्लस रहेगा तो आप डेफिनेटली उसका इस्तेमाल, आप उसका यूज आप ठीक तरीके से कर पाओगे, राइट। सो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को हैंडल करना, कैश मैनेजमेंट हैंडल्स कॉस्ट दैट मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, है ना। तो कैश मैनेजमेंट जो होता है वो कॉस्ट को हैंडल करता है जो कि अराइज होता है, जो कि अचानक से आपके सामने आ जाता है किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के कारण, ऐसे सिचुएशन के कारण जिसको होने की उम्मीद आपको नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, अचानक से आपका मशीन बंद हो गया, अब मशीन को स्टार्ट करने के लिए खर्च करना पड़ेगा, आपको पैसे कहाँ से आएंगे, कैश मैनेजमेंट के पास से आएंगे, है ना, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। पांचवा है इनिशिएटेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना, कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एक्स्ट्रा फंड्स इन द बिजनेस आर इन्वेस्टेड इन द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज। कैश मैनेजमेंट का ये भी एक काम होता है कि वो जो है आपके पास जो आइडल कैश पड़ा हुआ, जो ज्यादा कैश आपके पास है, जो आइडल कैश आपके पास है जिसका कोई यूज नहीं है, आप उसको एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिले, है ना। कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एक्स्ट्रा फंड्स इन द बिजनेस आर इन्वेस्टेड इन द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी, जो बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज है उसमें उसको इन्वेस्ट किया जाए। So these are the functions of cash management. बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको पूरा देखा। आई होप कि आप लोगों ने इसको पूरा देखा है एंड आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं ₹10 अ मंथ के हिसाब से। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पेमेंट करके आपको ज्वाइन होना है, आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। एंड वहाँ पे ज्वाइन करने के ढेरों बेनिफिट्स हैं, असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी आपको, नोट सिर्फ ₹100 पर पेपर में मिल जाएंगे, ऑन डिमांड लेक्चर्स मिल जाएंगे, देर मल्टीपल बेनिफिट्स, अगर आप उसको चेक करेंगे जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आपको समझ में आएगा एंड यू विल श्योरली ज्वाइन इट। ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।